यहाँ अपन शुरू करें अपने कि राजस्थान में चित्रकला नया टॉपिक शुरू करते हैं आज, राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला, इस चित्रकला से अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और हर एक एग्जाम में इस चित्रकला से एक प्रश्न बनता ही बनता है कि चित्रकला क्या है, कहाँ की प्रसिद्ध है चित्रकला, या किसके समय, किस शासक के समय इस चित्रकला का स्वर्णकाल था, इस प्रकार से इसमें प्रश्न बनता है, या फिर कौन सा चित्रकार किस शैली का चित्रकार है, ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अपन बात करें कि राजस्थान की चित्रकला। ठीक है, चित्रकला में देखें कि सबसे पहले देखिए अपन चित्रकला क्या होता है कि किसी चित्रकार के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा देखी हुई वस्तु का चित्र बनाना ही क्या कहलाता है, चित्रकला कहता है, चित्रकला कहलाता है। जैसे मैंने किसी व्यक्ति को देखा या किसी पेड़ को देखा, किसी पौधे को देखा, तो मैंने उसका चित्र बना दिया, तो वह क्या कहलाता है, चित्रकला कहलाता है। क्या कहलाता है, चित्रकला। कि किसी व्यक्ति के द्वारा देखने के बाद में उसको बनाया गया चित्र ही क्या कहलाता है, चित्रकला कहलाता है। अगर जिसको अपन ने कभी तक जिसको अपन ने अभी तक देखा ही नहीं, उसका अपन कभी चित्र बना सकते हैं क्या, उसका अपन चित्र नहीं बना सकते। जो वस्तु को अपने प्रत्यक्ष रूप से या अपन ने प्रत्यक्ष रूप से देखा है, उसी का अपन चित्र बना सकते हैं। चाहे अपन फोन में देखे, टीवी में देखे, कहीं ना कहीं उसको देखा है तो ही अपन उसका चित्र बना सकते हैं, बाकी अपन उसका चित्र नहीं बना सकते। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करें इसमें चित्रकला में, तो यहाँ पर क्या होता है, चित्रकला की अलग अलग पद्धतियाँ हैं। अपन चित्रकला की पद्धतियों की बात करें, चित्रकला की अलग अलग पद्धतियाँ हैं, कौन सी पद्धतियाँ हैं अपन देखें यहाँ पर पद्धतियाँ। ठीक है, इन पद्धतियों की बात करें, इन पद्धतियों के माध्यम से चित्रकार जो है चित्र बनाते थे। ठीक है, कौन सी पद्धतियाँ हैं अपन ये देखिए, अपन इसमें सबसे पहले जल रंग पद्धति, पेस्टल पद्धति, वोश पद्धति, जल रंग, पेस्टल, वोश, तेल रंग, और है टेम्परा पद्धति। कौन सी है, टेम्परा। इन पद्धतियों के माध्यम से पहले चित्रकार चित्र बनाते थे कि जिस प्रकार अपने वर्तमान में अलग अलग पेंट उपलब्ध होते ही नहीं होते, एक होता अपना वाटरप्रूफ, एक होता अपना वाटर पेंट, एक होता ऑयल पेंट, अलग अलग प्रकार से जो अपना पेंट चलता है, उसी प्रकार से जो पहले चित्रकार जो वर्तमान में भी है और पुराने समय में भी जिस प्रकार से पेंट होते हैं, उसी प्रकार से चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, जल रंग पद्धति यानी वाटर कलर होते थे, पेस्टल कलर होते थे, वॉश कलर होते थे, तेल रंग यानी ऑयल पेंट, और टेम्परा पद्धति। इन पद्धतियों के माध्यम से चित्रकार जो है पहले चित्र बनाने का कार्य करते थे। जिस प्रकार अपने अलग अलग पेंट उपलब्ध है अभी वर्तमान समय में, उसी प्रकार से इन पद्धतियों के माध्यम से भी पहले चित्रकार चित्र बनाते थे। ठीक है, इन पद्धतियों के माध्यम से। ठीक है, इनमें अपन देखें कि अपनी राजस्थानी चित्रकला का जो है सबसे पहले विभाजन, राजस्थानी चित्रकला का विभाजन की बात करें अपन, तो राजस्थानी चित्रकला का विभाजन जो है आनंद कुमार स्वामी द्वारा एक रचित पुस्तक है। आनंद कुमार स्वामी एक व्यक्ति का नाम है, इनके द्वारा रचित एक पुस्तक है। ठीक है, इनके द्वारा एक रचित पुस्तक है, उसका नाम है राजपूत पेंटिंग नामक एक पुस्तक है, इनके द्वारा रचित है, जो 1916 में लिखी, कब लिखी है, 1916 में इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इस राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक से अपनी राजस्थानी चित्रकला का विभाजन सबसे पहले किसने किया, आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक से राजस्थानी चित्रकला का विभाजन किया। राजस्थान को पहले राजपूताना या राजपूत कहते थे, इसका पुस्तक का नाम क्या रखा, राजपूत पेंटिंग, क्या रखा, राजपूत यानी राजपूताना या फिर राजपूत कहते थे इसको, इसलिए इसका नाम क्या रखा, राजपूत पेंटिंग रखा।
ठीक है, किसने किया है? अनंत कुमार स्वामी ने सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला का विभाजन जो है अनंत कुमार स्वामी द्वारा राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में 1916 में किया। जब किया 1916 में, ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है, बन सकता है। ठीक है, आगे पर नेक्स्ट बात करें अपन इसमें, तो यहाँ देखिए अपन मेवाड़ चित्रकला शैली, मेवाड़ चित्रकला शैली या मेवाड़ शैली कर लेते हैं, मेवाड़ शैली कहाँ है? उदयपुर में, या इसको उदयपुर शैली भी कहते हैं, उदयपुर शैली भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें देखें कि उदयपुर शैली की अपन बात करें, उदयपुर शैली में, तो उदयपुर शैली में चित्रकला की बात करें तो मेवाड़ में चित्रकला का जनक किसको कहते हैं? मेवाड़ में चित्रकला का जनक आप बताओ किसको कहते हैं? मेवाड़ में जिसको आता है वो बताओ, मेवाड़ में चित्रकला का जनक, चित्रकला का जनक, मेवाड़ में चित्रकला का जनक महाराणा कुंभा को माना जाता है। किसको माना जाता है? महाराणा कुंभा को, चित्रकला का, मेवाड़ में चित्रकला का जनक महाराणा कुंभा को, कुंभा को माना जाता है, या मेवाड़ में चित्रकला के जनक कौन है? महाराणा कुंभा है। अगर चित्रकला की बात आते तो चित्रकला का जनक कौन है? महाराणा कुंभा चित्रकला के जनक है। इनके द्वारा ही मेवाड़ में सबसे पहले चित्रकला का प्रारंभ हुआ है, और इन्हीं के द्वारा राजस्थान मेवाड़ में चित्रकला का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। चित्रकला का, चित्र शैली अलग चीज़ है, चित्रकला अलग चीज़ है, इसका भी ध्यान रखना, दोनों है एक ही चीज़ है। लेकिन ये महाराणा कुंभा के समय, महाराणा कुंभा को इनका जनक कहते हैं, क्या कहते हैं इनको? चित्रकला का जनक कहते हैं, चित्रकला का जनक कहा गया है, चित्रकला का जनक महाराणा कुंभा को कहा गया है। सर्वाधिक विकास महाराणा कुंभा के समय हुआ है, लेकिन स्वर्णकाल इनके समय को स्वर्णकाल नहीं कहते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ठीक है, आगे अपन बात करें इसमें, अपन इसमें देखें तो मेवाड़ शैली के अंतर्गत, मेवाड़ शैली या मेवाड़ स्कूल में इनको चित्रकला को सभी को स्कूलों में विभाजित किया गया है। किसमें विभाजित किया गया है? स्कूलों में। मेवाड़ स्कूल में अपन बात देखिए अपन, तो इसमें मेवाड़ शैली आ जाती है, मेवाड़ में उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, तीसरा चावण शैली, चौथा आता है देवगढ़ शैली। ये चार शैली जो है मेवाड़ स्कूल में आ जाती है। किस में आ जाती है? मेवाड़ स्कूल में। इनको स्कूलों में विभाजित किया गया, मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल, इस प्रकार से स्कूलों में इनको विभाजित किया गया है। मेवाड़ स्कूल में देखें पहला आ जाता है उदयपुर शैली, दूसरा नाथद्वारा शैली, तीसरा चावण शैली, चौथा आ जाता है देवगढ़ शैली। मेवाड़ शैली के चार स्कूलों में इनको विभाजित किया गया है। ठीक है, अपन मेवाड़ शैली पढ़े इसमें देखिए, और इसमें तो मेवाड़ का इसका उद्गम जो है, मेवाड़ चित्रकला शैली का उद्गम, और ये मेवाड़ के जो है, मेवाड़ चित्रकला शैली के, मेवाड़ चित्रकला शैली के दो केंद्र हैं, मेवाड़ शैली के दो केंद्र क्या है? मेवाड़ चित्रकला शैली के दो केंद्र है, क्या है? कितने केंद्र है? दो केंद्र है। कौन से केंद्र है? पहला केंद्र है, जैसे एक तो है उदयपुर, उदयपुर, और दूसरा है नाथद्वारा। कौन सा है? एक तो है उदयपुर केंद्र, एक है नाथद्वारा। दोनों इसके, दोनों किसके केंद्र है? मेवाड़ शैली के केंद्र। किसके केंद्र है? मेवाड़ शैली। इसमें आ जाता है उदयपुर शैली, इसमें आ जाता है नाथद्वारा शैली। दोनों शैली किसके केंद्र है? मेवाड़ शैली के ही दो केंद्र है, जिसका काम उदयपुर में और नाथद्वारा दोनों जगह पर मेवाड़ शैली का कार्य किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए अपन इसमें, इसमें तो अपने राजस्थान में, राजस्थान में सबसे पहले चित्रकला का प्रारंभ कहाँ हुआ? मेवाड़ शैली में हुआ, मेवाड़ में हुआ। राजस्थान में सबसे पहले चित्रकला का प्रारंभ कहाँ हुआ? मेवाड़ में हुआ। ठीक है, इसमें देखिए अपन, राजस्थान में या राजस्थानी चित्रकला का उद्गम स्थान मेवाड़, राजस्थानी चित्रकला का उद्गम स्थान मेवाड़ माना जाता है।
उद्गम स्थल मेवाड़ माना जाता है। कि राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ कहाँ से हुआ? मेवाड़ से हुआ है। मेवाड़ में ही सबसे पहले चित्रकला का कार्य प्रारंभ किया गया है। कहाँ से किया गया है? मेवाड़ से। और मेवाड़ को ही राजस्थानी चित्रकला का उद्गम स्थल या प्रारंभिक स्थल माना जाता है। किसको माना जाता है? मेवाड़ को। ठीक है, आगे देखिए अपन इसमें जो इस चित्र बनाने के जो काम किया जाता है इसमें कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता था। इसमें देखिए रंग, मेवाड़ चित्रकला शैली में तीन रंगों का प्रयोग किया जाता था, लाल, पीला और केसरिया। इन तीनों रंगों का प्रयोग जो है मेवाड़ शैली में अधिक मात्रा में किया जाता था। कौन सा? लाल, पीला और केसरिया। इन तीन रंगों का प्रयोग ही राजस्थान अपनी मेवाड़ शैली में सबसे अधिक प्रयोग में लिया जाता था। ठीक है, आगे देखिए अपन इसमें है। और इसमें मेवाड़ चित्रकला शैली में शिकार के दृश्यों में त्रिआयामी प्रभाव दर्शाया गया है। शिकार के दृश्यों में यानी जो शिकार करते हुए चित्रों के अंतर्गत जो है शिकार के दृश्यों में त्रिआयामी प्रभाव दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है? जो मेवाड़ चित्रकला शैली में जो चित्रों के अंतर्गत जो चित्र बनाए गए हैं शिकार के दृश्यों के, वहाँ पर जो शिकार के चित्र बनाए गए शिकार के दृश्यों में वहाँ पर त्रिआयामी प्रभाव दर्शाया गया है। त्रिआयामी प्रभाव का अर्थ होता है कि शिकार के दृश्यों को भी दिखाया गया है, जो शिकार कर रहा है उसको भी दर्शाया गया है, और वहाँ की जो प्रकृति है उसको भी दर्शाया गया है, और जो तीर मारने की कला है उसको भी दर्शाया गया है। तीनों को एक साथ में दर्शाया गया है। ठीक है, इसको कहते हैं त्रिआयामी प्रभाव। ठीक है, और देखिए अपन इसमें मेवाड़ चित्रकला शैली में अपन एक एक करके सारी चित्रकला शैली देखेंगे अपन। ठीक है, एक एक करके सारी चित्रकला जो भी राजस्थान की चित्रकला है ये चित्रकला शैली है उसको अपन एक एक करके सारी चित्रकला का अपन यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ अपन देखें कि अपने यहाँ पर मेवाड़ में जो है सबसे पहले चित्रकला के एक पुस्तक छपी है। क्या छपी है? चित्रकला यानी चित्रों से सहित एक पुस्तक छपी है, यानी राजस्थान की या फिर अपने यहाँ के राजस्थान की पहली पुस्तक है जो छपी है, जिसमें जो कथा एक ग्रंथ है ग्रंथ के साथ में यानी चित्र सहित उस कथा का वर्णन किया गया है। जैसे अपन देखें कि छोटे बच्चों की जो पुस्तक होती है जो किताबें होती हैं उसमें चित्र से सहित उसमें वर्णन किया जाता है। कि अगर कोई कहानी है शेर और चूहे की, लॉयन एंड माउस की, तो वहाँ पर लॉयन एंड माउस का जो वहाँ पर चित्र भी दे दिया जाता है ताकि बच्चे उसे आसानी से समझ सके। उसी प्रकार से यहाँ पर अपने मेवाड़ में एक ग्रंथ है जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण, श्रावक प्रतिक्रमण सूत चुनने क्या नाम है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चुनने सूत्र नहीं सूत श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चुन सूत्र चुनने इसकी ये एक पुस्तक है। क्या नाम है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक एक चित्रित ग्रंथ है। क्या है? चित्रित ग्रंथ है। ये मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ है जो 1260 में लिखा गया है। और किनके द्वारा लिखा गया है? कमल चंद्र के द्वारा
कमल चंद्र द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? कमल चंद्र द्वारा लिखा गया है। और उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? मेवाड़ के शासक थे तेजपाल सिंह। और मेवाड़ के शासक कौन थे? रावल तेज सिंह। तेज सिंह जी के समय ये मेवाड़ में श्रावक पहला चित्रित ग्रंथ क्या है? श्रावक, इसको नाम भी पूछ सकते हैं कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किनके द्वारा लिखा गया है, या किनके शासक के समय लिखा गया है, या फिर कौन से सन में लिखा गया है। ये तीन चारों चीज़ें पूछ सकते हैं, तो इनका नाम भी याद होना चाहिए अपने को। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक जो है 1260 नामक चित्रित ग्रंथ जो 1260 ईस्वी में कमल चंद्र द्वारा लिखा गया है, वो रावल तेज सिंह के शासक तेज सिंह के समय लिखा गया है। रावल तेज सिंह के समय यह लिखा गया है, ठीक है। इसको देखिए अपन, तो इसका एक दूसरा नाम भी है, क्या नाम है? और यहाँ देखिए अपन इसको, मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। क्या है? मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। क्या है? मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक एक ग्रंथ है, जो पहला चित्रित ग्रंथ है। क्या है? चित्रित ग्रंथ है कि ग्रंथ जो इन कमल चंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। इनमें लिखने के साथ साथ में चित्रों का भी वर्णन किया गया है। इनमें चित्र भी बनाए गए हैं और लेख भी लिखा गया है। दोनों का काम साथ साथ में किया गया है। और ये कब लिखा है? 1260 ईस्वी में। कब लिखा गया है? 1260 ईस्वी में। जो मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ है, पूछ सकते हैं कि मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ठीक है। इसका एक नाम और भी है, क्या नाम है? श्रावक, जिसको अपने राजस्थानी भाषा में गढ़ दिया है, इसका नाम बना दिया है श्रावक परिक्रमण सूत चुन्नी इसका नाम कर दिया गया है। क्या कर दिया है? श्रावक परिक्रमण सूत चुन्नी। क्या कर दिया है? श्रावक परिक्रमण सूत चुन्नी इसके नाम से भी अपने राजस्थानी भाषा में इसका नाम बना दिया है। बाकी मूल नाम क्या है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ है, जो राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। इस चीज़ का ध्यान रखना, राजस्थान का प्रथम या मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ है, ठीक है। और देखिए अपन इसमें एक अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि पंचतंत्र कथा कौन सा है? पंचतंत्र कथा जो है किनके द्वारा लिखी गई है? पंचतंत्र कथा जो है विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। ये एक संस्कृत कथा है, संस्कृत में लिखी हुई कथा है। पंचतंत्र एक नामक कथा है, जिसमें जो है इस पंचतंत्र कथा में कलीला व दमना, कौन है? कलीला वह दमना नामक दो पात्र हैं। ये कलीला और दमना दो क्या है? इन दोनों व्यक्तियों की एक कथा है, जो विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र नाम से लिखी गई है। किसके नाम से लिखी गई है? पंचतंत्र नाम से। ये प्रश्न हर एक एग्जाम में, चाहे कोशा भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है। और अब भी संभावना बन सकती है कि पंचतंत्र कथा किनके द्वारा लिखी गई है, तो विष्णु शर्मा द्वारा ये कथा लिखी गई है, ठीक है। इस पंचतंत्र कथा के अंतर्गत कलीला व दमना नामक दो व्यक्ति है, उन दो व्यक्ति या दो गिद्धड़ है, इन दो गिद्धड़ की कहानी है, जिसमें कलीला व दमना नामक दो गिद्धड़ है, उनकी कहानी कौन सी है? पंचतंत्र कहानी है, जो विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और देखिए अपन इसमें कि पंचतंत्र कथा का अकबर के समय जो है अबुल फजल थे, कौन थे? अबुल फजल। पंचतंत्र जो कहा है, जो है अबुल फजल ने अबुल फजल ने अकबर के समय अबुल फजल थे। इन अबुल फजल के द्वारा पंचतंत्र कथा का जो है फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। किस में अनुवाद कराया?
फारसी भाषा में जो पंचतंत्र कथा है इसका अबुल फजल के द्वारा फारसी भाषा में इसका अनुवाद करवाया, फारसी भाषा में इसका अनुवाद करवाया, फारसी भाषा में इसका अनुवाद करवाया और किस नाम से करवाया, आयरे दानिश नाम से, किस के नाम से, आयरे दानिश नाम से इसका अनुवाद करवाया। ठीक है कि पंचतंत्र कथा का जो है अकबर के समय, किसके समय, अकबर के समय अबुल फजल को, अबुल फजल ने इसका फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया, किसके नाम से किया, आयरे दानिश नामक से इसे पंचतंत्र कथा का अनुवाद किया फारसी भाषा में। पंचतंत्र कथा है इसका अबुल फजल ने फारसी भाषा में आयरे दानिश के नाम से इसका अनुवाद किया। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है जो अपने आरएस है उनके मेंस या प्री में ये प्रश्न पूछने की संभावना बनती है। ठीक है और देखिए अपन इसमें यहाँ और इनके चित्रकारों की बात करें जो मेवाड़ शैली में चित्र कौन से चित्र मेवाड़ में चित्रकारों की बात करें कि कौन कौन से चित्रकार थे, चित्रकार चित्रकारों को जो अपने को याद करना पड़ेगा। ठीक है जो चित्रकार है उनको याद करना पड़ेगा। इनमें मेवाड़ में कौन से चित्रकार है, कृपाराम, भैरूराम, नासिरुद्दीन, हीरानंद, जगन्नाथ, मनोहर, कमलचंद्र, ये सात चित्रकार है। इस सात चित्रों को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है यहाँ देखें कि कृपाराम, भैरूराम, कृपाराम, भैरूराम, नासिरुद्दीन, 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 हीरानंद, हीरानंद, जगन्नाथ, 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 मनोहर और कमलचंद्र, कौन कौन है, कृपाराम, भैरूराम, नासिरुद्दीन, हीरानंद, जगन्नाथ, मनोहर और कमलचंद्र, ये सात चित्रकार है। इन सातों चित्रकारों को आपको नाम याद होना चाहिए। इन इन और इन चित्रकारों से प्रश्न बनता है कि मेवाड़ शैली के चित्रकारों में से निम्न में से कौन सा चित्रकार नहीं है या फिर निम्न में से मेवाड़ शैली के चित्रकार है, ये दोनों प्रकार के प्रश्न बनते हैं तो आपको इनका नाम याद होना चाहिए। कृपाराम, भैरूराम, नासिरुद्दीन, हीरानंद, जगन्नाथ, मनोहर और कमलचंद, ये सातों चित्रकार है। इसको दो से तीन बार पढ़ोगे और लिखोगे तो तुम्हारे को ये याद हो जाएंगे। चित्रकारों का अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि किसी भी शैली का हो कि निम्न में से किस शैली का चित्रकार है, मेवाड़ का हो चाहे जोधपुर का हो, मारवाड़ शैली का हो, किसी भी शैली का प्रश्न यहाँ पर चित्रकारों का प्रश्न अक्सर प्रश्न बनता है। ठीक है कृपाराम, भैरूराम, नासिरुद्दीन, हीरानंद, जगन्नाथ, मनोहर और कमलचंद्र, इस प्रकार बोलोगे तो तुम्हारे को एक फ्लो में याद हो जाएगा। कृपाराम, भैरूराम, नासिरुद्दीन, हीरानंद, जगन्नाथ, मनोहर और कमलचंद्र, ठीक है ये याद हो गए। ठीक है आगे देखिए अपन इसमें कि मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल किनके समय था, स्वर्णकाल की बात करें कि मेवाड़ शैली का जो किनके समय स्वर्णकाल था, यहाँ देखिए स्वर्णकाल, मेवाड़ का जो स्वर्णकाल था वह जगत सिंह प्रथम के समय स्वर्णकाल माना जाता है कि जगत सिंह प्रथम के समय, जगत सिंह प्रथम के समय मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। किनके समय स्वर्णकाल, जो जगत सिंह प्रथम के समय को मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है, ना कि महाराणा कुंभा के समय। महाराणा कुंभा को इसका जनक कहते हैं और स्वर्णकाल जो है जगत सिंह प्रथम के समय को स्वर्णकाल कहा गया है। वो जगत सिंह प्रथम के द्वारा या फिर जगत सिंह प्रथम के समय ही अपने मेवाड़ शैली का सर्वाधिक विकास हुआ है कि अपने मेवाड़ चित्रकला शैली का सर्वाधिक विकास जो है जगत सिंह प्रथम के समय हुआ है। इसी कारण इनको इनके समय को मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्णकाल कहते हैं। ठीक है और देखिए अपन इसमें मेवाड़ चित्रकला शैली में ही देखें और इन जगत सिंह जी के द्वारा अपने राज्य अपने मेवाड़ के जो राजमहल हैं उदयपुर में वहाँ पर एक तस्वीरारों कारखानों,
क्या एक क्या खुला है, तस्वीरारो कारखानों या तस्वीरारो ओवरी नामक से कला विद्यालय की स्थापना की है। ठीक है, जो जगत सिंह जी है प्रथम के द्वारा इनके समय को मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक है, इनके द्वारा ही जगत सिंह जी के द्वारा ही मेवाड़ में जो राजमहल है उदयपुर में, वहाँ पर चित्रकला केंद्र की स्थापना की है। वहाँ पर किसकी स्थापना की? चित्रकला केंद्र की स्थापना की है। वहाँ पर चित्रों की ओरी या तस्वीरों और कारखानों जगत सिंह जी द्वारा राजमहल कहाँ है? मेवाड़ के राजमहल उदयपुर में है। वहाँ राजमहल में तस्वीरारी ओवरी फिर चित्रों की ओवरी, इसको क्या कहते हैं, जो चित्र बनाते हैं उसको चितेरा कहते हैं, कि चित्रों की ओवरी और या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसका नाम कहते हैं कि तस्वीरारो कारखानो। ठीक है, ये जगत सिंह प्रथम के द्वारा उदयपुर के राजमहलों में चित्रों की ओवरी या फिर इसको अपने राजस्थानी भाषा में कहते हैं कि तस्वीरारो कारखानो नाम से एक कला विद्यालय की स्थापना की है। इसकी कला विद्यालय की स्थापना की है। कला विद्यालय की स्थापना किसने की है? जगत सिंह जी के द्वारा। कि अपने इसको और कह सकते हैं कि यह क्या है, मेवाड़ का प्रथम स्टूडियो है। क्या है? मेवाड़ का प्रथम स्टूडियो कह सकते हैं। कि ये क्या है? मेवाड़ का प्रथम स्टूडियो है। यहाँ पर तस्वीरें बनाने का कारखाना है। कि यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति की, अपने मेवाड़ के शासक है, चाहे किसी व्यक्ति की तस्वीर बनानी या फिर प्रकृति का नज़ारा की अगर तस्वीर बनानी प्रकृति की, तो वहाँ पर जो ये चित्रों की ओरी थी, इसमें चित्रकारों के द्वारा चित्र बनाने का काम किया जाता था। और इसी प्रकार से जयपुर में प्रताप सिंह जी के द्वारा, आमेर शैली में प्रताप सिंह जी के द्वारा एक चित्रकला केंद्र की स्थापना की, जहाँ पर 50 से अधिक चित्रकारों को वहाँ पर रखा गया है। और उसी प्रकार से मेवाड़ में भी चित्रों की ओरी की स्थापना की गई है, जिसमें इसको तस्वीरारो कारखानों भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तस्वीरारो कारखानों। इसको अपन मेवाड़ का प्रथम स्टूडियो भी अपन कह सकते हैं, कि अपने राजस्थान का प्रथम स्टूडियो है। ठीक है, जहाँ पर फोटो खींचने लगे। पहले चित्र बनाते थे, तो चित्र बनाने का काम जो है ये अपने मेवाड़ में यहाँ होता था। अगर किसी व्यक्ति का या फिर किसी शासक का चित्र बनाना है, पहले व्यक्ति का चित्र बनाने का तो कोई काम ही नहीं था, जो शासक का अगर चित्र बनाना है या फिर चित्रकार को जो चित्र पसंद आ जाता है उसका चित्र बनाने का काम यहाँ किया जाता था। ठीक है, और देखिए अपन इसमें, यहाँ पर इन चित्रों की ओरी के अंतर्गत जो है राधा कृष्ण के चित्र अधिक बनाए गए हैं। किसके चित्र? राधा कृष्ण के चित्र अधिक बनाए गए हैं। कि इन चित्रों की ओरी के अंतर्गत जो है राधा कृष्ण के चित्र बनाए गए हैं। किसके चित्र बनाए? कि राधा कृष्ण से संबंधित चित्र यहाँ बनाए हुए हैं। ठीक है, और देखिए अपन इसमें एक मेवाड़ शैली की एक उप शैली है, चावण शैली। कौन सी है? चावण शैली। कौन सी है? चावण शैली। चावण शैली को जो है अमर सिंह जी के समय इसको स्वर्णकाल मानते हैं। अमर सिंह के समय को
जो है चमन शैली का स्वर्ण काल मानते हैं। और कुछ लोग जो है अमर सिंह जी के समय को मेवाड़ चित्रकला शैली का भी स्वर्ण काल मानते हैं, लेकिन वह उचित नहीं है। अमर सिंह का जो स्वर्ण काल है वह चमन शैली का स्वर्ण काल है, कि चमन शैली का स्वर्ण काल जो है अमर सिंह जी के समय इसका चमन शैली का सर्वाधिक विकास हुआ है। किसके समय? अमर सिंह जी के समय, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। और मेवाड़ चित्रकला शैली का जो स्वर्ण काल जो है वह किनके समय मानते हैं? महाराणा सॉरी अपने ये जगत सिंह जी के समय को मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। किनके समय? जगत सिंह जी के समय को। और चमन शैली का जो स्वर्ण काल जो है अमर सिंह के समय को स्वर्ण काल मानते हैं। और देखिए इसमें एक और शैली है इसकी, देवगढ़ शैली कौन सी है? देवगढ़ शैली। और देवगढ़ शैली जो है इसको, देवगढ़ शैली का जो प्रकाश में लाने का सही है, इसके खोजकर्ता देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का सही, देवगढ़ शैली को प्रकाश में या इसके खोजकर्ता के लेपन प्रकाश में लाने का सही जो है डॉक्टर श्रीधर अंधारे को जाता है। डॉक्टर श्रीधर अंधारे को जो है ये देवगढ़ शैली का प्रकाश में लाने का सही जाता है। कि देवगढ़ शैली को प्रकाश में कौन लेके आए? डॉक्टर श्रीधर अंधारे। ये प्रश्न 3 से 4 बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का सही किनको जाता है, तो डॉक्टर श्रीधर अंधारे को जो है देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का सही जाता है। किनको जाता है? डॉक्टर श्रीधर अंधारे को। ये नाम थोड़ा याद रखना, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ होती है अपने राजस्थान की मेवाड़ चित्रकला शैली। ठीक है, इसके 2 केंद्र है, एक तो उदयपुर केंद्र है, एक है नाथद्वारा केंद्र। तो अपन आगे पढ़े नाथद्वारा चित्रकला शैली। ठीक है, मेवाड़ चित्रकला शैली यहाँ समाप्त होती है, आगे अपन देखें नाथद्वारा चित्रकला शैली। ठीक है, यहाँ अपन शुरू करते हैं अपने राजस्थान की नाथद्वारा शैली। यहाँ लिखे अपन नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली कि नाथद्वारा शैली का उद्गम कहाँ से हुआ है? कि यह है नाथद्वारा शैली जो है मेवाड़ चित्रकला शैली व अपने ब्रज शैली दोनों का मिश्रित रूप क्या है नाथद्वारा शैली। यहाँ देखिए अपन मेवाड़ शैली प्लस जो ब्रज शैली है उन दोनों का मिश्रित रूप क्या है नाथद्वारा शैली है। इन दोनों को मिलाकर क्या बनी है? नाथद्वारा शैली बनी है। क्या बनी है? नाथद्वारा शैली। मेवाड़ चित्रकला शैली और ब्रज शैली का मिश्रित रूप क्या है? नाथद्वारा शैली। ठीक है, कि इसमें मेवाड़ पहले क्या हुआ नाथद्वारा जो है किससे बना है? श्री नाथ जी की आने के बाद नाथद्वारा बना। पहले इसका नाम क्या था? सिहाड़ गांव था। ठीक है, इनको राज सिंह जी के द्वारा जो शासक है राज सिंह जी के द्वारा श्री नाथ जी की स्थापना वृंदावन से लेके आए थे। कहाँ से लेके आए थे? वृंदावन से लेके आए थे। उनको राज सिंह जी के द्वारा नाथद्वारा में, यानी पहले गांव का नाम था सिहाड़ गांव में श्री नाथ जी की स्थापना करवाई है। किसने करवाई? राज सिंह जी के द्वारा ये श्री नाथ जी की स्थापना करवाई है। श्री नाथ जी की स्थापना होने के बाद इस गांव का नाम क्या पड़ा? श्री नाथद्वारा पड़ा। किनके कारण पड़ा? श्री नाथ जी के कारण इनका नाम नाथद्वारा पड़ा। और राज सिंह जी के नाथद्वारा चित्रकला का स्वर्ण काल जो है राज सिंह जी के समय को नाथद्वारा चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहते हैं। कि जो है राज सिंह जी के समय नाथद्वारा चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक है, राज सिंह जी के समय को नाथद्वारा चित्रकला शैली का स्वर्ण काल मानते हैं। यह राज सिंह जी के द्वारा ही श्री नाथ जी की स्थापना नाथद्वारा में की जाती है।
ठीक है। और देखिए अपन इसमें यहाँ नाथ द्वारा में जो है एक पिछवाई कला प्रसिद्ध है, क्या है पिछवाई कला, पिछवाई कला प्रसिद्ध है कि पिछवाई कला क्या होता है कि श्री नाथ जी इसका नाम क्या है पिछवाई यानी पीछे, क्या नाम है पिछवाई पीछे है, यानी अपन देखें इसमें इसका क्या अर्थ होता है पिछवाई कला का कि श्री नाथ जी की प्रतिमा के पीछे, श्री नाथ जी की प्रतिमा के पीछे जो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण किया जाता है, कपड़े के ऊपर बाल लीलाओं का चित्रण किया जाता है उसी को पिछवाई कहते हैं, ठीक है। कि श्री नाथ जी की प्रतिमा के पीछे श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं को चित्रण करना ही क्या कहलाता है पिछवाई कहलाता है। पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की पिछवाई कला प्रसिद्ध है, कहाँ की प्रसिद्ध है नाथ द्वारा की पिछवाई कला प्रसिद्ध है। अक्सर ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कितनी बार परीक्षा में हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो नाथ द्वारा की पिछवाई कला प्रसिद्ध है, ठीक है। और देखिए अपन इसमें यहाँ पर जो है एक आला गिला, क्या आला गिला, आला गिला फ्रेस्को, आला गिला फ्रेस्को भित्ति चित्र, भित्ति चित्र भित्ति चित्र मिले हैं, भित्ति चित्र, भित्ति चित्र शैली का उपयोग, भित्ति चित्र शैली का उपयोग किया गया है, का उपयोग किया गया है कि नाथ द्वारा में कि आला गिला फ्रेस्को भित्ति चित्र शैली का उपयोग किया गया है, कहाँ किया गया है नाथ द्वारा में। कि आला गिला क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि मकान की जो छत होती उल्टी छत होती वहाँ पर जो वाइट सीमेंट होता है या फिर पुट्टी होती है उसके द्वारा कलात्मक या डिजाइन बनाई जाती है, चाहे पंखे के ऊपर है चाहे बॉर्डर बनाई जाती है, इस प्रकार से जो बॉर्डर बनाए जाते हैं जो यानी जो दीवार के ऊपर जो काम किया जाता है उसको आला गिला और फ्रेस्को भित्ति चित्र शैली उसको कहते हैं। कि दीवार के ऊपर जो कलात्मक रूप से डिजाइन बनाकर कोई कार्य किया जाता है तो उसको आला गिला या उसको फ्रेस्को भित्ति चित्र शैली उसको कहते हैं। इसका काम कहाँ किया गया है, नाथ द्वारा में किया गया है, किया गया है, ठीक है। और देखिए प्रश्न में, और यहाँ पर जो चित्रकार है, चित्रकार देखें यहाँ पर जो कमला व इलायची, इलायची इलायची नामक महिला भी हुई है, कमला व इलायची नामक दो महिला चित्रकार है, कौन है ये महिला चित्रकार है, कहाँ की नाथ द्वारा चित्र, महिला चित्रकार की नाथ द्वारा में दो महिला चित्रकार हुई है जिनके द्वारा चित्रकार्य का काम किया गया है। और दोनों क्या है, कौन है महिला चित्रकार, कमला व इलायची, इसका नाम याद रखना कि यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि कमला व इलायची कौन है, चित्रकार है या कोई फड़ निर्माता है या फिर कोई मंगनिया गायकी है, कौन है। इन प्रकार से ये प्रश्न बन सकता है कि कमला व इलायची क्या है या फिर कौन है, ऑप्शन में आ जाएगा चित्रकार है, फड़ निर्माता है और या फिर कोई गायकी है, या फिर इनमें से इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि महिला व सॉरी कमला व इलायची कौन है, तो दोनों महिला चित्रकार है, महिला चित्रकार है, क्या है महिला चित्रकार है, ठीक है। कहाँ की नाथ द्वारा चित्रकला से लेकर, ठीक है। और देखिए अपन इसमें एक नरोत्तम नारायण शर्मा है, कौन है नरोत्तम नारायण शर्मा, नरोत्तम नारायण शर्मा को जो है पिछवाई कला के लिए, किसके लिए पिछवाई कला के लिए, पिछवाई कला के लिए, पिछवाई कला के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प, राष्ट्रीय हस्तशिल्प, राष्ट्रीय हस्तशिल्प, राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार, पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किनको प्राप्त हुआ है कि एक नरोत्तम नारायण शर्मा है जो पिछवाई बनाने का काम करते हैं, पिछवाई कला का
पिछवाई कला का काम करते हैं, जिसके कारण इनको जो है नरोत्तम नारायण शर्मा को जो राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है या फिर इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ अपने होते नाथद्वारा चित्रकला शैली और मेवाड़ चित्रकला शैली। ठीक है,